चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कोलिजन्स। ठीक है, ओके। तो कोलिजन्स का मतलब हमें पता है, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस वर्ड। कोलिजन्स का मतलब टक्कर है ना। अब जब दो चीजें टकराती हैं तो क्या उनमें एनर्जी लॉस होती है ना, होती है कि नहीं होती? सर, जैसे सपोज कोई स्कूटर और साइकिल वाला टकरा गया, एनर्जी लॉस होगी नहीं होगी? यस सर, यस ऑब्वियसली होगी है सर, ना, बिल्कुल होगी। अब गाड़ी वाली और गाड़ी वाला और ट्रेन टकरा गई तो एनर्जी लॉस होगी। गाड़ी का तो कुछ बचेगा ही नहीं, दूर दूर से नहीं, ट्रेन खड़ी गाड़ी थी एक्टिव हो जाएगी। तो बंदा हाँ, वंशी का कह रही सर एनर्जी लॉस के साथ बंदा लॉस भी है। यस तो एनर्जी सर, लॉस तो होती होती है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल कोलिजन्स में क्या है, एनर्जी लॉस होता ही होता है, राइट। यहाँ पे हम तीन टाइप्स की कोलिजन्स करेंगे। एक ऐसी आइडियल कोलिजन मतलब जिसमें एनर्जी लॉस कोई है नहीं। दूसरी दो टाइप की हैं, विच आर प्रैक्टिकल कोलिजन्स, जिनमें दोनों में एनर्जी लॉसेस होंगे, राइट। एक्चुअली इनडायरेक्टली हमने कोलिजन्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में स्टार्ट कर लिया था। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी टॉपिक में यू मस्ट हैव एनालाइज्ड के, वहां पे भी हमने कोलिजन ही करवाया था दो ऑब्जेक्ट्स का। हाँ क्या ना, यस सर, यस सर, बुलेट्स कोलिजन करवाने में जैसे वो दो बुलेट्स वाला, बुलेट्स वाला बुलेट्स है ना, तो उसमें कोलिजन कराया था उसका। अब कोलिजन करा के वो इकट्ठे मूव कर रहे हैं, इकट्ठे मूव नहीं कर रहे, वो बात अलग है, बट दैट वॉज कोलिजन। ठीक है, तो वैसे ही कोलिजन आज हम करने वाले हैं, राइट। तो सिंपल मतलब है कोलिजन का, इसकी तीन टाइप्स करेंगे। सीधा लिखो इसमें टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, जिसमें द फर्स्ट टाइप इज, हेडिंग डालो कोलिजन्स, उसमें टाइप्स ऑफ कोलिजन्स। फर्स्ट इज, याद है जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होती उसको, उस कोलिजन को कौन सा कोलिजन कहते हैं? इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, करेक्ट। सुना हुआ वर्ड है ना पिछले चैप्टर में, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होती, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस इज एन आइडियल कॉन्सेप्ट, राइट। तो द टाइप ऑफ कोलिजन इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, एक्चुअली जो ये कोलिजन्स में एनर्जी लॉसेस होते हैं वो, कैन यू गेस कि किस चीज में होते हैं वो एनर्जी लॉसेस? इन द फॉर्म ऑफ हीट, व्हाट? हीट हीट, करेक्ट। वन इज काइनेटिक, हाँ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो लॉस हो रही है ना, किस में जा रही है वो एनर्जी, मैं वो पूछ रहा हूँ। एक तो हीट में जा रही है, बिल्कुल, साउंड एनर्जी, बहुत सारे एनर्जीज में जा रहा है ना। और कुछ ऑब्जेक्ट्स डिफॉर्म भी हो रहे हैं, चेंज इन शेप। पोटेंशियल एनर्जी, अब साइकिल और स्कूटर वाला, यार साइकिल और गाड़ी वाला टकराएगा तो साइकिल का पहिया जो है वो टेढ़ा हो गया, दैट इज डिफॉर्मेशन है ना, उसमें डेंट पड़ गया, दैट इज डिफॉर्मेशन। तो दीज आर दी डिफॉर्मेशन एनर्जीज। तो किसी भी फॉर्म में एनर्जी लॉसेस नहीं होते। टाइप ऑफ कोलिजन इन विच देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन एनी फॉर्म, एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन और फ्रिक्शन एक्सेट्रा, इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन और फ्रिक्शन और हीट एक्सेट्रा। ठीक है, तो सब किसी भी फॉर्म में डिफॉर्मेशन नहीं है, दिस इज एन आइडियल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर दो बॉडीज यहां पे कोलाइड कर रही हैं, कोलाइड करने के बाद दे विल हैव सम डिफरेंट वेलोसिटीज, तो विल दी लीनियर मोमेंटम बी कंजर्व? विल दी लीनियर सर, मोमेंटम, यस सर, लीनियर मोमेंटम तो ऑब्वियसली कंजर्व रहेगा ही। चार पॉइंट लिख लेंगे। लीनियर मोमेंटम
remains conserved. Will the total kinetic energy of the objects remains conserved? No, sir. No, sir. Why? इलास्टिक में सिर्फ सेम रहेगी. इलास्टिक में पूछ रहा हूँ मैं, यहाँ पे तो एनर्जी लॉस है नहीं. सेम प्रैक्टिकल नहीं, हम आइडियल की बात कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिकल भी आएंगे. यहाँ पे तो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगी. ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स रिमेन कंजर्व, क्योंकि एनर्जी कंजर्व है, कोई भी लॉस नहीं है. अगर लॉसेज होते हैं तो एनर्जी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, कुछ ना कुछ किसी फॉर्म में उड़ जाएगी एनर्जी, फ्रिक्शन में, हीट में, साउंड में, लड़ाई में. इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल टोटल. ठीक है, टोटल का मतलब सम ऑफ एनर्जीज है. ये हो सकता है किसी एक ऑब्जेक्ट की कम हो जाए, दूसरे की ज्यादा हो जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन टोटल सेम रहेगा. दूसरा टाइप है इन इलास्टिक कोलिजन. जिसमें जो प्रैक्टिकल है, इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेस होते ही हैं. द टाइप ऑफ कोलिजन इन विच देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी. During collision in the form of deformation potential energy, heat, etc. कहीं कहीं ये उड़ जाएगी. क्या इसमें टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी? इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी. अगर टोटल टोटल बोले तो रहेगी. टोटल का मतलब होता है सारी टाइप ऑफ एनर्जी, वो तो रहती रहती है, वो तो दुनिया में कोई किसी भी टाइप का कुछ भी हो रहा है तो टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व है. उसका मतलब तो ये होता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. लेकिन काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है, जैसे कि हीट एनर्जी, डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी, तो इन चीजों में ट्रांसफर हो गई. तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, बट दोनों की हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से ही मतलब है. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स डिक्रीजेस, ठीक है, दैट इज नॉट कंजर्व्ड. और क्या यहां पे मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा? नो सर. मोमेंटम मोमेंटम तो रहेगा ही कंजर्व सर. हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, रहेगा क्यों? फॉर्म हो रही है फिर तो नहीं होना चाहिए. क्यों रहेगा, मतलब हमें कैसे पता लगा मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा? करेक्ट, कोलिजन्स हो रही हैं जो वो इंटरनल फोर्सेस. कोलिजन्स में कौन सी फोर्सेस एक्ट करती हैं? इंटरनल. इंटरनल. दो लोग, दो बॉडीज आपस में टकरा रही हैं अगर, तो उनकी आपस की लड़ाई है. वो आपस में मारे काटे एक दूसरे को, अपने को फर्क नहीं पड़ता. एक्सटर्नल फोर्स नहीं है.
जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तब तक पोटेंशियल सॉरी मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा ठीक है. तो लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड. Because F external is zero. Okay, third type है. पर example देना इन दोनों के. हाँ example तो कोई भी practical collision. Example लिखनी लिख लो यहाँ पे लिख लेते हैं. Excuse me sir. हाँ जी. Sir यहाँ पे energy loss का मतलब velocity decrease हो जाना. दोबारा बोलो. यहाँ पे एनर्जी लॉस का मतलब सर मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो जाना इसका मतलब यही बनता है बस एनर्जी लॉस. ठीक है टोटल एनर्जी की बात हो रही है हमेशा ये ध्यान रखना. ठीक है सर. तो इसमें कोई भी प्रैक्टिकल कोलिजन लिख लो. सम सपोज स्कूटर कोलाइडिंग विद कार एनीथिंग यू कैन राइट. वैसे डिफरेंस के इन दोनों में डिफरेंस यार क्लियरली तो दिख रहा है कुशल सर. क्या डिफरेंस है कोलिजन में तो कोई डिफरेंस नहीं है मतलब टकराव में ऐसा कुछ. टकराव में कोई ऐसा कोलिजन नहीं है वो तो बॉडीज पे डिपेंड करता है. ओके सर. ठीक है तो यू कैन राइट योर एग्जांपल्स योरसेल्फ. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. ओके थर्ड इज परफेक्टली inelastic, perfectly inelastic collision. A perfectly inelastic collision वो होती है जिसमें collision के बाद bodies एक दूसरे के साथ चिपक जाएं, मतलब collision के बाद इकट्ठा move करें. जैसे हमने कल एक example की थी गोली bullet embedded in the wooden block. Correct. That was the example of perfectly inelastic collision. ठीक है. The type of collision in which the colliding bodies move together after collision. इसमें एग्जांपल लिखी जा सकती है जैसे बुलेट एम्बेडेड इन अ वुडन ब्लॉक. आफ्टर पियर्सिंग इट इसमें भी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा या नहीं होगा? होगा सर. होगा सर. बिल्कुल होगा. टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स द बॉडीज डिक्रीजेस दैट इज नॉट कंजर्व्ड. एंड लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड. रीजन No, net force. External force is zero. Linear momentum remains conserved.
अब इन टाइप्स ऑफ कोलिजन्स को डिफाइन करने के लिए वी हैव अ मैथमेटिकल टर्म आल्सो, ठीक है, और उस टर्म का नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. इस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहां तक लिख लिया? यस सर. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. सिंबल होता है स्मॉल ई. अब ये क्या चीज है? ये सिंपली हमें ये बताता है, ये रेशियो है दो चीजों का, और जो इसकी जो वैल्यू है दैट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, राइट. तो इट सिंपली सिग्निफाइज के बॉडी कितना वापस कोलिजन के बाद कितना रिस्टोर कर पा रही है. देखो दो चीजें, सिंपल सी बात है, अगर दो बॉडीज कोलाइड होने के बाद डीफॉर्म हो गई तो दैट मींस कुछ एनर्जी उनकी डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी में कंज्यूम हो गई. हाँ के ना? यस सर. तो दैट मींस कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है? इनइलास्टिक है, करेक्ट. तो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 1 से कम होगा, क्योंकि वो प्रॉपर ये जो रेस्टिट्यूशन होता है इसका मतलब होता है कितना वो रिस्टोर कर पाई बॉडी, वो प्रॉपर रिस्टोर नहीं कर पाई. अगर बॉडी डिफॉर्म हो तो गई लेकिन वापस से दोबारा रिस्टोर हो गई अपनी पोजीशन पे, तो क्या कोई एनर्जी उसकी डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी में गई? नो सर. तो वो प्रॉपर तरह से रिस्टोर कर पाई. रिस्टोर मतलब रेस्टिट्यूशन, तो दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन उसका परफेक्ट 1 हो जाएगा, ठीक है. तो उस केस में इसलिए ये एक नंबर है, जस्ट दिस नंबर सिग्निफाइज कि किस टाइप ऑफ कोलिजन इज हैपनिंग, राइट. तो इट इज डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ टू टर्म्स, जिन टर्म्स के बारे में आप लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी में सुना होगा, एंड दोस टर्म्स आर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. डू यू रिमेंबर दोस? यस सर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? सर दूर जाना, अपीयर होता है कि दूर जा रहे हैं दूसरे के. करेक्ट. कितनी वेलोसिटी से, कितनी रिलेटिव वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट दूसरे से दूर जा रहा है. एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब कितनी रिलेटिव वेलोसिटी से दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक है. तो मान लो यहाँ पे पहले फोटो ही बना लेते हैं इसकी. आई हैव लेट्स से टू ऑब्जेक्ट्स. दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी वेलोसिटीज, इनका मासेस हैं m1 m2 m1. दिस इज आफ्टर कोलिजन. ये कोलिजन के बाद ये स्टेट है. दिस इज बिफोर कोलिजन. दिस इज आफ्टर कोलिजन. तो लेट्स से इनकी जो वेलोसिटीज हैं, this is v u1, this is u2 before collision, and after collision ho gayi v1 and v2. now tell me one thing, agar in dono bodies ko collide hona hai, agar ye dono bodies collide ho rahi hain to kaun zyada hogi, u1 ya u2?
ऑब्वियसली यू वन हाँ के ना yes. अरे तभी टक्कर मारेंगी अगर यू टू ज्यादा होगी तो निकल लेगी yes, आती रहे एम वन पीछे वो तो नहीं टक्कर हो पाएगी ओके कोलिजन हो गई कोलिजन होने के बाद दो बॉडीज का हालत ये राइट साइड में जो बनाई है वो है उस केस में कौन सी ज्यादा होनी चाहिए V2. अगर V2 कम हुई V1 ज्यादा हुई मान लो फिर तो टक्कर मारता रहेगा मतलब ये तो वैसे जैसे कार्टून में दिखाते हैं एक बार मारा फिर दूसरी बार मारा फिर तीसरी बार मारा ऐसे तो ऐसे थोड़ी होता है ना तो क्या होता है एक बार टक्कर मार के आगे वाली आगे निकल जाएगी पीछे वाली पीछे रह जाएगी ऐसे ही होता है प्रैक्टिकली ठीक है तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल केस राइट तो ये दो बॉडीज है मेरे पास इन दोनों की कैन यू टेल मी व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच U1 minus U2? Yes. Correct. Very good. It is U1 minus U2. Yeah, relative velocity होती है ना आगे ना? Yes, sir. Velocity of approach is relative velocity of one with respect to two. One body. A with respect to B या B with respect to A. अब यहाँ पे कौन ज्यादा है? U1 तो U1 minus U2 हो जाएगी. And velocity of separation? V2 minus V1. V2 minus V1. Correct. It is V2 minus V1. It is V2 minus V1. क्योंकि V2 ज़्यादा है, तो V2 minus V1 is some positive term. जिस velocity के साथ वो दोनों separate हो रहे हैं. चलो इतना तुम लोगों को पता लग गया. अब जो coefficient of restitution है, that is simply इन दोनों का ratio. Velocity of separation divided by velocity of approach. Which is V2 minus V1 divided by U1 minus U2. And this formula is very, very important. इसको अच्छे से चिपका लो अपने दिलो दिमाग में फेविकोल से फेविक्विक से वेरी यूजफुल इसके बेसिस पे क्वेश्चन बहुत बार आया कोलिजन्स के क्वेश्चन में ये यूज होना ही होना है इसको डिफाइन कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन is defined as ratio of velocity of separation to the velocity of approach of the two bodies. And E lies between the range 0 to 1. That is, E ki jo value hai less than equal to 1 greater than equal to 0 ho sakti hai. बस अब लास्ट एक समरी टेबल बनाएंगे जिस उस समरी टेबल में तुम लोग मुझे बताना कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जीरो व्हाई सर बिकॉज़ वेलोसिटी सेम होगी सर कोलिजन के आफ्टर कोलिजन के आफ्टर सेम वेलोसिटी से तो वी टू माइनस वन जीरो हो जाएगा ना एग्जैक्टली वो चिपक ही गए तो सेपरेट तो हो ही नहीं रहे
तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज जीरो, दोनों सेम ही वेलोसिटी जा रहे हैं। अगर दोनों सेम वेलोसिटी जा रहे हैं मतलब दोनों चिपक गए, वो सेपरेट ही नहीं हो रहे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन खत्म ही हो गई, दैट इज जीरो। तो जीरो फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, वन फॉर इलास्टिक कोलिजन, एंड जीरो से वन के बीच में फॉर इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट। ठीक है, तो यही चीज है। एक समरी टेबल से बना लेते हैं, इसमें तीन कॉलम्स बना लो, इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। ये क्या है सिमरन? कॉपी रख दी क्या प्लस पे? ओके, तो इलास्टिक में मोमेंटम कंजर्व रहता है? यस सर। तो इसमें लीनियर मोमेंट, इसको सिंबल में लिख लेते हैं, पी इज कंजर्व्ड। इनइलास्टिक में कंजर्व्ड, पी इज कंजर्व्ड, और परफेक्टली इनइलास्टिक में पी कंजर्व्ड। इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी टोटल कंजर्व्ड। इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी टोटल नॉट कंजर्व्ड, डिक्रीजेस। और इसमें भी काइनेटिक एनर्जी टोटल डिक्रीजेस, मतलब नॉट कंजर्व्ड। सर टोटल क्यों लिख रहे हो, उसमें कोई फर्क हो जाएगा? टोटल हाँ, क्योंकि दो बॉडीज का देख रहे हैं ना हम, टोटल दिन में लानी है हमने, तो एक बॉडी का नहीं, दो बॉडी का मिला के देखेंगे, टोटल इनिशियल निकाल लेंगे, टोटल फाइनल निकाल लेंगे, टोटल। ठीक है सर। इसमें इलास्टिक में ई की वैल्यू जीरो, इन इलास्टिक में ई की वैल्यू जीरो टू वन के बीच में, एंड परफेक्टली इन इलास्टिक में जीरो। बस ये जो समरी टेबल है ना, इस चीज को ये भी चिपका लेते हैं। सर इसको भी चिपका लें? बिल्कुल। और पेपर के टाइम पे इस समरी टेबल को जरूर पढ़ना है। Noted? Yes, sir. चलो ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो, that's it for today. Goodbye and good luck for your test. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, bye-bye.